इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे IAF के द्वारा प्रोक्योर किए जाने वाले MRFA को लेके बात करेंगे, जिसके बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन है मीडिया में छपे सोर्सेज के थ्रू, जहाँ पे ये कोट किया गया है कि MRFA के अंतर्गत जो पहले 114 फाइटर प्रोक्योर होने थे, उस प्लान को ऑल्टर करके अब जो फाइटर्स के नंबर हैं वो 57 के नंबर में लाए जा रहे हैं। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि पर स्क्वाड्रन में जो एयरक्राफ्ट होंगे वो 19 देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है वो मॉड के सोर्सेज के थ्रू चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टांस है IAF का वो काफी समय से क्लियर है। हम सभी जानते हैं कि IAF चाहती है 114 का जो नंबर है MRFA के अंतर्गत वो उनको मिले, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर खबर के सच होने की वो भी आप यहाँ पे मान सकते हो, क्योंकि कहीं के जो बजट कंस्ट्रेन है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, और जो पॉलिसी चेंज हुई है सेल्फ रिलायंस की तरफ, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि जो भारतीय वेंडर और भारतीय जो एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रायोरिटी देने के लिए MRFA के नंबर को कम किया जा रहा हो। तो एकदम से इस खबर को भी गलत नहीं कहा जा सकता। तो रिपोर्ट यहाँ पे बिजनेस वर्ल्ड की है, जहाँ पे हम MRFA के बारे में पहले भी बात कर चुके थे कि जो प्रोक्योरमेंट है वो SP मॉडल पे होना था, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पे होना था, और इस मॉडल को लेके जो डिससैटिस्फैक्शन था वो आपको आर्म फोर्सेस में देखने को मिल रहा था। और कई सारे जो वर्ड्स हैं वो भी सामने आए थे कि ये जो मॉडल है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, उसको डम करके जो बाय ग्लोबल कैटेगरी है मेक इन इंडिया की, उसके थ्रू प्रोक्योरमेंट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा नंबर आउटराइट प्रोक्योर करना सही नहीं होगा, तब ये जो 57 का नंबर है वो सामने आया है। अगर ये 57 एयरक्राफ्ट आ जाते हैं तो जो टोटल एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, सपोज करो रफाल आते हैं 57 के नंबर में, तो आपके पास जो रफाल की संख्या होगी वो अराउंड 93-94 पहुंचेगी, जो कि आप कह सकते हो अच्छा नंबर है, क्योंकि आपके करंट रफाल फ्लीट को जो सपोर्ट की आवश्यकता है वो आपको दिख रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो रिपोर्ट में कोट किया जा रहा है इस नंबर के कटबैक के पीछे, वो ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की, उसकी वजह से ये नंबर कम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक साइड हो गया जहाँ पे IAF के लिए 57 MRFA होंगे, और दूसरी तरफ नेवी के लिए ये देखा जा रहा है कि 26 के नंबर में जो एयरक्राफ्ट होंगे वो प्रिक्योर किए जाएंगे G2G के अंतर्गत। अगर आपको दोनों ही एयरक्राफ्ट बाय ग्लोबल कैटेगरी में प्रिक्योर करने हैं तो यहाँ पे नेवी और IAF दो अलग अलग एयरक्राफ्ट प्रिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कोई इशू नहीं है, तो दो जो अलग कैटेगरी है उनका प्रोक्योरमेंट हो सकता है। लेकिन लॉजिकली लॉजिस्टिक को देखते हुए, इंटीग्रेटेड कमांड को देखते हुए, अगर आपके दोनों ही फोर्सेस एक ही एयरक्राफ्ट को चुनते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ पिक्चर में आ जाती है MRFA के लिए 57 का नंबर, तो जो बाकी के एयरक्राफ्ट की पूर्ति होगी वो पॉसिबली जो आपका LCA मार्क 2 है, तेजस मार्क 2, उसके थ्रू की जाएगी, और उसको आपको फुल फ्लेज पेस पे ले जाना पड़ेगा और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहीं पे हम बात कर लेते हैं आज MOD द्वारा साइन किए गए एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि MOD ने BDL के साथ किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है अस्त्र मार्क 1 को मैन्युफैक्चर करने की। अस्त्र मार्क 1 हम सभी जानते हैं ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज AA2R मिसाइल है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत है वो लगभग 2971 करोड़ की है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत। तो एक मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो 350 से लेकर 400 के नंबर में जो मिसाइल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी IAF और नेवी के लिए। जो IAF का नंबर था इससे पहले पिक्चर में वो 250 के नंबर में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे दिए गए जो अमाउंट का नंबर है वो कहीं ना कहीं अस्त्र मार्क 1 के नंबर को 350 प्लस लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो एक अस्त्र का प्रोडक्शन है बड़े नंबर में वो किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो एक डिपेंडेंसी है आपकी फॉरन AA2A मिसाइल पे वो कम करेगी। और अगर ऐसा होता है तो अब ऑन व्हील जो प्रोडक्शन है अस्त्र मार्क 1 का वो बढ़ा सकते हो कभी भी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी। किल प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे अस्त्र की जो किल प्रोबेबिलिटी है वो अभी हाल ही में डिस्प्ले की गई थी DRDO के द्वारा 95% से ऊपर की है। मतलब एक मिसाइल फायर करोगे तो जो पॉसिबिलिटी है टारगेट को हिट करने की वो 95%+ की है। जहाँ पे अस्त्र के सीकर की बात है वो इससे पहले रशियन सीकर था, जो आपके प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे वहाँ पे जो इंडियन सीकर है वो लगाए जाएंगे DRDO का सीकर, KU बैंड सीकर, जिसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं फाइटर जेट पे, तो जो आपके Su-30MKI है वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं, वहाँ से ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है, प्रूव कर लिया गया है। जो आपके LCA तेजस है वहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन है और जो ग्राउंड टेस्टिंग है कंप्लीट कर ली गई है, फ्लाइट टेस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जो आपके इंडियन नेवी के MiG-29K हैं वहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे और ग्राउंड पे कर लिए गए हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज AA2R मिसाइल में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फोर्सेस में वो ये लेके आएगा। जहाँ तक बात है टॉट की, तो टॉट दे दिया गया है BDL को DRDO के द्वारा सभी तरह के सिस्टम का, चाहे वो लॉन्चर हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, और जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है BDL के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।